हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डायमंड शेप पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस, इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें दो पैटर्न जो है उसका कंबाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली पैटर्न है वो है पिरामिड स्टार। और गाइस, इसका प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड यहाँ पे पैटर्न आती है रिवर्स पिरामिड स्टार, आप ये देख सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पिरामिड स्टार पैटर्न है और रिवर्स पिरामिड स्टार पैटर्न है, ये दोनों पैटर्न को कंबाइन करके हम ये वाली पैटर्न क्रिएट करेंगे। मीन्स के यहाँ पे हमारा पिरामिड स्टार का लॉजिक आएगा, देन उसके बाद रिवर्स पिरामिड का लॉजिक आएगा। ये दोनों लॉजिक को हम कंबाइन करेंगे तो लास्ट में हमारी डायमंड शेप जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस को मैंने रो और कलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है, मींस के समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो पैटर्न इसे कंबाइन कर रहे हैं, तो ये वाली जो रो है यानी रो नंबर 4, ये कॉमन आ रही है। बिकॉज आप देखिए, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे अगेन थर्ड, 2 और 1, मीन्स ये वाली जो है वही चेंज हो रही है, लेकिन 4 वाली जो रो है, ये वाली रो, वो यहाँ पे कंबाइन आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम जैसे रिवर्स पिरामिड स्टार का जो लॉजिक चलाएंगे उसमें ये वाली रो हमें निकालनी होगी, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो पहली पैटर्न है वो स्टार्ट हो रही है स्पेस से, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे हमारी स्पेस डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है, यानी हम यहाँ पे स्पेस चलाएंगे डिक्रीज में और यहाँ पे चलाएंगे इंक्रीज में, ओके। अब इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लास की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी डायमंड पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा डायमंड पैटर्न नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी मेन मेथड। अब गाइस, यहाँ पे मैं कमेंट दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे पिरामिड स्टार पैटर्न जो है उसका लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पे पहले आप सिर्फ ये पैटर्न को देखिए, तो ये पैटर्न हमें पहले क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 लूप की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लूप आएगा रो के लिए, तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5 एन आई प्लस प्लस, बिकॉज यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक है और इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद इसके लूप के अंदर आएगा हमारा स्पेस का लूप, जो मैं इनिशियलाइज करूँगी कि इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3, बिकॉज हमारी पहले यहाँ पे रो में 3 स्पेस काउंट हो रहा है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3, देन k ग्रेटर इक्वल i एन k माइनस माइनस, ओके। तो यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट में हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द सिंगल स्पेस और यहाँ पे हम ln को हटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लूप है वो क्रिएट हो चुका है फॉर द स्पेस। उसके बाद हमारा आएगा फॉर लूप फॉर द कॉलम और इंटीजर j इज इक्वल टू 1, बिकॉज j भी यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलना चाहिए, तो j लेस देन इक्वल टू i और j इंक्रीज हो रहा है, मीन्स j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमारी जो स्टार पैटर्न है वो प्रिंट हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके डबल कोट में देंगे स्टार, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो स्टार के बीच में एक स्पेस है, इसलिए यहाँ पे हम एक सिंगल स्पेस देंगे स्टार के बाद और यहाँ पे ln हटाना है। अब उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो सेकंड लाइन में आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर लूप जो हमारा आई है उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर द न्यू लाइन। आपको यहाँ पे उसके अकाउंट में कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे जो ln है वो रिफर करेगा न्यू लाइन को, यानी ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। अब हम इसे रन करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी जो पहली पैटर्न है वो क्रिएट हो चुकी है, मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहां पे आ चुका है, राइट। अब उसके बाद हमारा यहां पे आएगा ये जो फॉर लूप है पिरामिड स्टार, यहां पे हमारी खत्म हो रही है। उसके बाद यहां पे हमारा लॉजिक आएगा रिवर्स पिरामिड स्टार का, यहां पे लॉजिक आएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो रेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की हमें पैटर्न क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए 4 3 2 1, मीन्स कि यहाँ पे भी रो 4 है और यहाँ पे भी यहाँ इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लेंगे आई का लूप,
इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर यहाँ पे हम चलाएंगे स्पेस का लूप, फॉर लूप इंटीजर के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारी स्पेस पहली रो में 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है और फोर्थ में 3 स्पेस है। मीन्स कि यहाँ पे हमारी स्पेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, देन k लेस देन इक्वल टू i और k प्लस प्लस। ओके, अब उसके अंदर हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द स्पेस, तो यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दे रही हूँ और यहाँ पे हमें ln हटाना है, ठीक है। तो ये वाला जो लूप है वो हमारा क्रिएट हो चुका है स्पेस के लिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे चलाएंगे लूप फॉर द कॉलम, तो इंटीजर j इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे लॉजिक आएगा गाइस, याद रखिए कि हमारी यहाँ पे रो है 4, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि j लेस देन 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे i हमारी घट रही है, इसीलिए यहाँ पे हमें 5 माइनस i करना होगा, तभी हम यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे और ये लाइन को हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा j प्लस प्लस होना चाहिए और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और उसके अंदर हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टार दूंगी और उसके बाद मैं एक सिंगल स्पेस दूंगी और यहाँ पे हम ln हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं फॉर लूप जो हमारा आई है उसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन। अब यहाँ पे गाइस इस पैटर्न को अब रन करके चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो पैटर्न, इसे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली पैटर्न हम रन करके चेक करते हैं, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे 5 माइनस आई किया था, इसीलिए यहाँ पे हमारे 3 स्टार से हमारी जो पैटर्न है वो स्टार्ट हुई, यानी ये वाली जो लाइन थी वो हमने डिलीट कर दी। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू करते हैं जैसे हमने पहले पिरामिड स्टार में किया था, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारी जो चौथी वाली स्टार प्रिंट है वो यहाँ पे आ रही है, यानी 4 स्टार वाली जो रो है वो भी यहाँ पे काउंट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो इक्वल टू पार्ट है यहाँ पे दे दिया था, इसीलिए हमें ये वाली जो लाइन है वो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, तो आप देखिए ये वाली जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब पहली वाली में हमारी जो थी वो ये प्रिंट हो रही थी, अब आप देख सकते हैं कि सेकंड जो लॉजिक उसमें ये वाली प्रिंट हो रही है, ये वाली, ठीक है। तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये डायमंड वाली जो पैटर्न है वो लास्ट में क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो अब मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगी, तो यहाँ से मैं कमेंट हटा रही हूँ, अब मैं दोनों को रन करा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे देखिए हमारी डायमंड जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डायमंड पैटर्न क्रिएट हो चुकी है, एग्जैक्ट हमने जो यहाँ पे बनाई थी वो, राइट। अब देखिए, तो इट मींस कि ये वाला जो लॉजिक था वो परफेक्टली राइट था। इसी तरह हमने दो जो पैटर्न थी, पिरामिड स्टार और रिवर्स पिरामिड स्टार, दोनों को कंबाइन किया, इसीलिए हम ये पैटर्न क्रिएट कर पाए। अब ये दोनों के लॉजिक किस तरह वर्क करते हैं मैंने दोनों प्रोग्राम में समझाया हुआ है, तो आप वो दोनों पहले प्रोग्राम देख लीजिए, उसके बाद आप ये प्रोग्राम को देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न कैसे क्रिएट हुई। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।